जय श्री कृष्णा। कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है साथियों। आज हम क्लास 11 के रसायन विज्ञान के अंदर जो हमारे मापन की इकाइयाँ होती है, जो राशियाँ होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके मात्रक क्या क्या होते हैं और उनके मात्रक को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रसायन विज्ञान में जो भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं या जिस चीज़ का स्टडी करते हैं, उसके लिए जो मापन पद्धति है हमारी, मापन और मात्रक, इसके बिना हमारा उनका स्टडी का अध्ययन करना या उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना न के बराबर है। यदि हम मात्रक की बात करें तो भिन्न भिन्न देशों में पहले भिन्न भिन्न प्रकार के मात्रक चलते थे। पहले शिजियस पद्धति के मात्रक थे, फिर एमकेएस पद्धति आई, फिर एफपीएस पद्धति आई, और एक सर्वमान्य सर्वकालिक पद्धति आई अंत में एसआई पद्धति। ऐसे आज हम वर्तमान समय में जितने मात्रकों का अध्ययन करते हैं वो एसआई पद्धति के मात्रक होते हैं। एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल। या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोला जाता है, इसको हिंदी में लिखा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। अभी हम जो वर्तमान स्वरूप में है जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक देखते हैं वो ऐसे ही पद्धति के मात्रक सर्वमान्य सर्वकालिक होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं या जिनके बारे में हम अपन अध्ययन करते हैं। मुख्यतः भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया था, एक थी मूल राशियां और एक थी व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियों को देखो, ध्यान से स्टडी करना, ये 11th का बेसिक केमिस्ट्री होता है, बेसिक के अंदर ये चीज़ बेसिक में आ जाती है कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि भौतिक राशियों के अंतर्गत रसायन विज्ञान में मूल राशियां जो मानी गई थी, कितनी? 7 मूल राशियां मानी गई थी। कौन कौन सी मानी गई थी? द्रव्यमान एक मूल राशि, लंबाई एक मूल राशि, तापमान एक मूल राशि, ज्योति तीव्रता एक मूल राशि, पदार्थ या जिसको अपन मोल कहा जाता है ये एक मूल राशि के अंतर्गत माना गया था, और समय ये मूल राशि थी, वैद्युत धारा ये मूल राशि में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मूल राशियां शुरुआत में मानी। अब इनके अलावा हम जो भी अध्ययन करते हैं ये सब हमारी बात की क्या होती है? व्युत्पन्न राशि होती है, जिनको इन राशियों की सहायता से अन्य राशियों को निकाला जाता है। ये पदार्थ लिखो या इसकी जगह कई बार लिखा हुआ मिलता है द्रव्यांश, द्रव्य का अंश, द्रव्य पदार्थ को कहा जाता है, ये लिखा जाता है। अब इनके संकेत और इनके जो मात्रक हैं उसके बारे में हम अपन लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, यदि हम बात करते हैं द्रव्यमान की, पहली जो राशि है वो है हमारी कौन सी? द्रव्यमान। यदि हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है m होता है, और इसका जो जो संकेत होता है वो m होता है। संकेत जो होता है m होता है और जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। दूसरी जो राशि है उसकी अगर अपन बात करते हैं लंबाई, संकेत l होता है और जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? मीटर, m। तीसरा अगर अपन बात करते हैं तापमान की, ताप, इसका मात्रक क्या होता है? संकेत T होता है